अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन आज़ाद, प्रोग्राम हम लोग के साथ मैं हूँ अली मुमताज़। नाज़रीन, हमारे मौशे में बहुत से लोग अपने मसाइल के हल के लिए ऐसे तरीके, ऐसे हरबे इस्तेमाल करते हैं जो कि गैर शरी हैं, जिसका यकीनन हमारा मज़हब इजाज़त नहीं देता, मकरूह हैं। लेकिन हम ये शायद समझते हैं कि हमारा जो मसला है, जो हमारी ख्वाहिश है, जो हमारा मुतालबा या हमारी जो मुराद है, वो ऐसे पूरी नहीं होगी, उसके हुसूल के लिए ये सब करना बहुत ज़रूरी है। जिसके लिए कुछ लोग पीरों के पास जाते हैं, कुछ लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो ये दावे करते हैं कि जी हमारे पास इल्म है, काला जादू हमें करना आता है, और हम अगर ऐसा करेंगे तो तुम्हारा अगर कोई दुश्मन है तो वो मर जाएगा, अगर किसी की औलाद नहीं हो रही तो औलाद हो जाएगी। इसी तरह की एक कहानी आज के प्रोग्राम में हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, जहाँ पर 14 साल वजाहत कुछ ही रोज़ पहले अपने घर से मामूल के मुताबिक बाहर गया लेकिन वापस नहीं लौटा। और कुछ दिन के बाद जब इत्तला मिली, जब घर वाले उस तक पहुँचे, तो वो जिंदा हालत में नहीं था बल्कि मुर्दा हालत में था। उसको कत्ल किया जा चुका था, उसको बल्ली चढ़ाया गया था। और जो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि काला जादू की बात लोग करते हैं, ये सब काला जादू के लिए किया गया, क्योंकि वजाहत अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। और एक मखसूस रात जो कि 25 साल के बाद आ रही थी, 14वीं की रात थी, तो वो रात इंतहाई मौजू थी इस मकरू अमल के लिए जिसके लिए वजाहत को इस्तेमाल किया गया। इसकी तफसील क्या है, ये सब कैसे हुआ, ये जानने के लिए प्रोग्राम के आगाज़ में हम मौजूद हैं वजाहत के वालिद और उनकी वालिदा के साथ, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ उनके वालिद हैं। हमें यकीनन बहुत अफसोस और दुख है कि आपके बेटे की जान ले ली गई, और एक ऐसा बेटा कि जो आपके लिए तो एक आपका कीमती असासा था। ये बताइए कि ये सब हुआ किस तरह से, जिन्होंने वजाहत को कत्ल किया वो कैसे उन्होंने कत्ल किया, और आप लोग कैसे कातिल तक पहुँचे? एक रक्षे के ऊपर गया वो पठान कलोनी की तरफ, वो रक्षे वाले ने हमें सुबह बताया है, उसने कहा वो पठान कलोनी जा रहा है वो उधर। हम उधर जब गए हैं, उधर उनका उनके घर पहुँचे, हम स्कूल से पता किया है, वो स्कूल पे लड़के नहीं आए। उनने जो टेलीफोन नंबर दिया था ना, जो लड़कों ने जात को मारा है, वो भी गलत था टेलीफोन नंबर भी। हम उधर गए हैं, एक पठान उधर लगा फिरता था खेतों में, उसके पास हम गए हैं पठान के पास। उसको बोला यार ये लड़के कोई पता नहीं चल रहा, कोई तकरीबन 2 घंटे हमें लग गए उस जगह पे, कोई उसका बता नहीं रहा उस आदमी का। उधर को जा रहे हैं हम, कभी उधर को भेज रहा है, कोई उधर को भेज रहा है, हम घूम रहे हैं, कोई नहीं बता रहा। वो एक आदमी मिला उधर पठान, उससे हमने नंबर लिया, जो नंबर हमने लिया है ना उसका, वो हमने लगाया, वो फर्स्ट टाइम उसका नंबर मिल गया उस बंदे का। हमने उसको कहा यार हमारा ये काम हो गया, वहाँ तेरे बच्चों के साथ हमारा वजाहत आ गया इधर, तो वो कहता है मैं अभी आ रहा हूँ। वो जब उधर आया ना हमारे पास, वो हमें ऐसे पकड़ पकड़ के धिक्के दे रहा है, कौन हो तुम इधर आने वाले, मेरा दरवाज़ा खड़काने वाले। ये जो पता यहाँ पर आप मुझे बता रहे हैं कि ये आपके बेटे वजाहत के कपड़ों में से मिला, कपड़ों से मिला, तो इसके मुताबिक जो इस पर ये नक्शा बना हुआ है, ये व्यूज़ आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये कागज़ पर ये नक्शा बना हुआ है जो वजाहत के कपड़ों में से घर वालों को मिला था, जिसमें ऊपर ये लिखा हुआ है कि 1 छुरी 1 रुपया, और उसके अलावा फिर पता लिखा हुआ है कि जी इस पते पर आपने आना है, और फिर नीचे बाकायदा नक्शा बनाया गया है जिसमें लिखा गया है कि जी पठान कॉलोनी, गलियां बनाई गई हैं, मकान बनाकर नक्शा बनाकर बताया गया है कि बाकायदा किस तरफ से आना है और किस जगह पर, किस मखसूस जगह पर पहुंचना है। तो ये वो पता है कि जिसका अभी वजाहत के वालिद जिक्र भी कर रहे हैं कि इसको, इस कागज़ को देखते हुए हम पूछते पूछते एक ऐसे घर में पहुंचे कि जहां पर ये शख्स था कि जिसने बहुत एतराज़ जाहिर किया कि आप मेरी तरफ क्यों आए हैं, किस नहीं आए हैं, और वहां पर धक्के भी दिए वजाहत के वालिद को और इनके साथ जो इनके दीगर अजीज़ व अकारिब भी थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम सारा दिन उस गलियों पर घूमते रहे हैं, सुबह से समझो कि 8:30 पे हम उधर चले गए हैं, शाम कोई 8:30-9 बजे इसके बेटे पकड़ के लाए हैं हम उधर से। तो ये पहले आपको धक्के देता रहा और फिर उसके बाद आखिर में पुलिस के हमरा इसी के ही बेटों को आप पुलिस के साथ गिरफ्तार करके थाने लेकर गए? बिल्कुल लेके। ठीक है। बच्चे स्कूल जाते सन इस वास्ते कि बच्चे नहीं दे आए है, तो यही
ते पर्ची निकली ते मैं पर्ची पीछे भेजी कि पर्ची ते ऐही वजाहत क्या ही उत्थे वे वजाहत है ही उत्थे वे उन्हां कोले। मैं उन्होंने पूछा कि उन्होंने घर का हुलिया किस तरह का, इन्होंने कहा उन्होंने घर मिट्टी। मैं क्या मिट्टी भी क्यों, मिट्टी का मकसद की है? मैं माँ सा, मैनू पता लग गया कि मेरे बच्चे ना कुछ हो गया है। मैं उस दिन की कहनी मेरा बेटा उन्होंने कोल ये कह नहीं, वो गरीब ने, वो गरीब काम नहीं कर सकते। मैं क्या गरीब ही इस तरह करते ने, मेरे बेटे का ना खून ही लेना सी, मेरा बेटा उन्होंने मेरा बेटा पलेठी का सी। तो अंबल किया गया है, सारे कहते हैं कि पूनो मासी की रात वाले दिन ए वाकया होया है। तो सानू तो पता ही नहीं सी, टीवी लगाया ही नहीं, जब मैंने पता होंगे कि यह गल है तो यही उन्होंने मनाया गया है, खून कढ़िया गया है। मैं कहनी वे कि कहते नहीं वो आएगा है आइएगा। मैं क्या नहीं, उन्होंने मेरे बेटे के खून की जरूरत है, एक माँ समझ नहीं सकती, माँ हर गल समझ सकती है। कोई घर से चीज तो नहीं लेकर गया था साथ आपका बेटा? नहीं, लैपटॉप तो इस वास्ते लैके गया है ना कि इस बच्चे ने कहा कि मैं जिन बनागा, तो जिन बनन वेखन गया है कि कैच करांगा लैपटॉप ले आके, मैं सारे वहावगा। अच्छा, ये इस लड़के ने आपके बेटे को कहा है कि मैं जिन बनूंगा? हाँ जी, मेरे बच्चे ने मेरे ना गल की 5-6 दिन पहले, कैस रहा मैं एक लड़के ने जिन बनना है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उस दिन वो खास रात थी, उस रात की तफसील बताइए कि इस कत्ल के साथ जो कि उस दिन आपके बेटे का किया गया, और फिर आप कहते हैं कि खून भी आपके बेटे के जिस्म से निकाल लिया गया था, बलि चढ़ाया गया था, हाँ बलि, तो ये कैसे कह सकते हैं आप, वो कौन सी रात थी? पूर्णा मासी की रात है, ये बोलते हैं ये हिंदू, ये वो काम करते हैं ऐसा। 25 साल बाद वो रात आई है, जुमे का दिन, जुम्मे का दिन, और 14वीं की रात थी, 14 तारीख की रात होती है वह, ऐसा वो दिन होता है जो हिंदू काम करते हैं। तो ये जो सारा जो काम हुआ है, ये हिंदू टाइप का काम हुआ है। हम तो चलो फिल्मों में देखते थे ना, चलो फिल्मों में ऐसा काम होता है, तो वो हकीकत उन लोगों ने कर दी है हमारे साथ। और ये 25 साल के बाद ये रात आती है, हाँ जी, जो लेकिन मेरा आपको क्या लगता है क्या वजह है, उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, उनका क्या मकसद क्या है, क्या हासिल वो करना चाह रहे थे? मकसद उन्होंने यही सी, पलेठी का बच्चा सी, 4 पीढ़ियां तो ही पलेठी दे चले आ रहे हैं असी, तो उन्हों का खून लेना ही उन्हों का मकसद सी, उनका जिंदा का खून मार के ही लेना सी उन्होंने। जिस तरह के दसदे पे ने, हर जिसम चो हिस्से चो खून लिया गया, अमल च यह शामिल सी। अच्छा, ये पलेठी की जो आप बात कर रही हैं, ये तफसील क्या है, पलेठी वाला बच्चा क्या होता है बड़ा जो घर में पीढ़ी, बड़ा हो? हाँ जी, एंड ते अमल ज्यादा चलता है। तो उसमें आप क्या कह रही हैं, 4 पीढ़ियों से? पलेठी है नानी, अम्मी और मैं और जाहर, सोने पे जैसे कहते हैं ना सुहागा, वैसे है उनके लिए ये लकी है। जाहद ने अपनी अम्मी ने गल की थी है, नानी ने भी पूछा तू भी पलेठी दी है, फिर अम्मी अच्छा ने, पूछा है? हाँ पूछा, उन्हें कहा बिल्कुल, हाँ उन्हें सारा कुछ पूछे है, पहले चारा ने ना पूछे उन्होंने प्लेटी ने। लेकिन ये बताएं कि जब आप उस जगह पे पहुंचे तो वहां पर क्या डेड बॉडी के इर्द गिर्द खून मौजूद था या कोई खुश खून नहीं है, कुछ भी नहीं था? कुछ नहीं खून, बस वैसे डॉट बैरी बड़ी है, खून नहीं है उसके भी। मारा तो किसी कहीं और जगह पे उसने मार के उधर उधर फेंक दिया जाके, उधर अचानक वो खबीस वो उधर जिला कचहरी पे मिला हमें, वो भाग गए थे, फरार हो गए थे? हाँ ताले मार के घर से भाग गए थे वो, तो अचानक उधर से हमें मिला है वो आदमी, और वो भी एक पुलिस वाले के साथ बैठा है, बातें कर रहा है, उसको हमने पकड़ा है, और जो सदरे की पुलिस है वो हाँ हमें पकड़ रही है, तुम क्यों पकड़ रहे हो जी इसको, बस हमने कहा ये हमारा मुजरम है। और आप फिर पकड़ के उसको थाने में हम ले गए? उसको छीन के ले गए उन लोगों से, पुलिस ने नहीं उसको पकड़ा उधर से, हम उसको छीन के लेके आए खुद उधर अपनी से, मदद आपके तहत खुद हम आपने की? अपनी हम सारा, हमने उनके डेटे भी हमने निकाले हैं उनके घर वालों के, शिनाती कार्डों वो जो जिस्टी है जो उनके मकानों की थी, अच्छा, वो यहाँ से घर को ताला लगा के फैसलाबाद फरार हो गए हाँ थे? फरार हो गए थे। और इधर जो कचहरी आया ना अपनी, जो जगह सेल करने आया था वो, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि खून सारा निकाल लिया गया? देखो जी उनकी जो नाड़े हैं, ये हाथ कटे हैं, जो नाड़े हैं, नाड़ों के इंसान का खून निकलता है, पैरों की नाड़े काट दी है, घुटनों की, हाथों की नाड़े काट दी है, घुटनों की भी? हाँ घुटनों की नाड़े काट दी उसने, जहाँ जहाँ उसको खून उनको मिला है उन्होंने निकाला है।
मैंने खून पिया वजाहत का, वजाहत का खून पिया। हाँ खून पिया मैंने। नाज़रीन आपने ये गुफ्तगू सुनी, ये तफसील जानी कि किस तरीके से वजाहत को कत्ल किया गया, उसकी बल्ली चढ़ाई गई और ये सब काला जादू किया जा रहा था। और चूंकि वजाहत घर में अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा था और इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो वालदा भी इनकी अपनी बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, इसी तरह नानी और परनानी भी अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, तो ये सिलसिला चलता चला आ रहा था नस्ल दर नस्ल। और जो ये मकरूह अमल है उसके लिए ये हिंदुओं में होता है, ये रात मखसूस रात है जो 25 साल के बाद आनी होती है और ये 14वीं की रात थी कि जब ये करना करने वालों के लिए बहुत ही मुनासिब था और साथ में वजाहत भी था। और वजाहत जाने से पहले कुछ दिन अपनी वालदा से नानी का नाम, पर नानी का नाम भी पूछा, फिर ये भी पूछा कि वो क्या सबसे बड़े थे या नहीं थे। ये सारी मालूमात मुलजमान ने वजाहत को कहकर इकट्ठी की, हासिल की और फिर उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया। और खेतों में से जहाँ से लाश मिली वहाँ पर एक दायरा भी उसके इर्द गिर्द बना हुआ था जो कि अमूमन इस तरह का अमल करने वाले दायरा बनाते हैं और फिर वहाँ पे बैठ के उस दायरे के अंदर उस अमल को किया जाता है। ये जगह क्या थी कि जहाँ पर ये सारा अमल हुआ, जहाँ पर जिस दायरे का भी मैंने जिक्र भी किया वो दायरा मौजूद है। आइए आपको चल के दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं ब्रेक। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। जब आपको डेड बॉडी मिली तो किस हालत में थी? डेड बॉडी की हालत इतनी बुरी थी कि उसे देखा भी नहीं था जा रहा। एक तरफ से उसका चेहरे का सारा जो था, ये जो गोश्त था वो उतारा हुआ था उन्होंने। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग। और आज के प्रोग्राम में हम आपकी खिदमत में इंतहाई खौफनाक कहानी पेश कर रहे हैं कि जिसमें 14 साल वजाहत को कत्ल किया गया। वजाहत अपने घर में अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा था, वजाहत की वालदा भी अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, नानी भी और परनानी भी अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। और उसको सिर्फ कत्ल नहीं किया गया, उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून निकाला गया और उस खून की मदद से अमल किया गया, काला जादू किया गया। और हिंदुओं में 25 साल के बाद जिस रात वजाहत को कत्ल किया गया, ये 25 साल के बाद ये रात आती है कि जब, और ये 14वीं की रात थी कि जब ये अमल किया जाता है। और उसके लिए किसी ऐसे का होना बहुत ज़रूरी है जो अपने घर में बहन भाइयों में बच्चों में सबसे बड़ा हो, जैसा कि वजाहत है। और उससे एक और अहम, यानी कि जो बहुत ही हिंदुओं के लिए लकी साबित होता है, वो ये है कि जो ये पूरी नस्ल दर नस्ल चलती चली आ रही है वो सब हयात हों, यानी कि वालदा भी हयात हैं, नानी भी हयात हैं, पर नानी भी हयात हैं। और वजाहत को कत्ल करने के बाद जिस जगह पर रखकर अमल किया गया, ये फसलों में लाया गया और उसी जगह पर अभी हम मौजूद हैं। हमारे साथ वजाहत के चचा भी मौजूद हैं, इनसे हम तफसील जानते हैं। मुझे ये बताइए कि जब ये वजाहत घर से गायब हुआ और घर वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी, मुख्तलिफ इलाकों में जाके मालूम करते रहे, थाने में जाके रिपोर्ट भी दर्ज कराई, तो उसके बाद आपको तफसील में ढूंढते ढूंढते आपने वो जो नक्शा है जो मैंने भी देखा है कि वजाहत के कपड़ों में से मिला था, उस नक्शे में जिस कॉलोनी का जिक्र था कि तुमने यहाँ पर आना है, वो कॉलोनी आप मुझे सबसे पहले बताइए कि कहाँ पर थी ये कॉलोनी? ये फसलों से तकरीबन चंद फ्लांग के फासले पे है। अगर आपका कैमरा मैन देख सके तो ये आबादी है, इसके सेंटर में उनका घर है, इधर से तकरीबन 3-4 गलियां छोड़ के उनका घर है। यहां पर ये झंडा लहरा रहा है जी, ये जो झंडा लहरा रहा है इसके साथ ही एक दो घर छोड़ के उनका घर है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहां से मुझे फासले से नजर आ रहा है कि ये जहां झंडा लहरा रहा है जिस इमारत पे, उससे पहले रेल की पटरी है। हां बिल्कुल, रेल की पटरी है, रेल की पटरी है और उसके बाद फिर ये फसलें शुरू हो जाती हैं। और ये बिल्कुल सुनसान इलाका है, यहाँ पर दिन में भी कोई नहीं आता है और रात में तो सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब आप लोग तलाश करते हुए वहां पर पहुंचे तो आपको इब्तदाई तौर पर क्या बताया गया? जब उससे पुलिस ने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की तो उसने ये बताया कि वजाहत को तो हमने जुमे वाले दिन रात को उसको कत्ल कर दिया हुआ है। ये वही जुमे की रात, ये वही बनती है कि चांद की 14वीं रात थी जी, और 25 साल के बाद ये रात आई थी जो कि हिंदुओं को इसका बड़ा इंतजार होती है। ये चंद्रमासी की रात होती है ये, और इसका बहुत ज्यादा इंतजार होता है। बिल्कुल, 25 साल के बाद ये जो जब हमने डेड बॉडी यहाँ से रिसीव की, उसके बाद जब हमने अपने तौर पर तहकीकात की, जब डेड बॉडी को यहाँ से हमने खुद उस टाइम उठाया तो जो डेड बॉडी की हालत थी, जैसे उसे कट लगे हुए थे, जैसे
उसका जिस्म से गोश्त गायब हुआ था बच्चे का। उस हिसाब से जब हमने मौलवी वगैरह से पूछा, किसी मुफ्ती से पूछा कि भाई ये तो कत्ल तो हो गया, ठीक है कत्ल तो कर देते हैं, चलो किसी वजह से भी कर दिया उन्होंने मुल्ज़िमों ने, लेकिन ये जो बच्चे के जिस्म पे कट के निशान थे ये कैसे थे? वो फिर मुख्तलिफ दोस्तों ने, मुख्तलिफ लोगों ने जब ये राय एक जगह मुत्तफिका की कि इस बच्चे का सारा खून निकाला गया हुआ है। ये नाज़रीन अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं कि जहां पर वजाहत की डेड बॉडी मौजूद थी, और जो हम दायरे की बात कर रहे थे कि वहां पर इर्द गिर्द जो फसल है उसको वहां से काट के एक दायरा सा बनाया गया ताकि उस दायरे में डेड बॉडी को रख के वहां पर अमल किया जा सके, और ये बिल्कुल वही जगह है। मुझे बताइएगा एग्जैक्टली कहाँ पर डेड बॉडी यहाँ पर मौजूद थी? डेड बॉडी तकरीबन इस जगह पे थी, इस जगह पे थी डेड बॉडी, इधर लेटी हुई थी ऐसे। उसके जो पांव थे जो वो काबे की तरफ थे, और जो उसका मुंह था वो इधर था मशरक की तरफ, सर इस तरफ था, और जो पांव थे वो दूसरी तरफ थे, ठीक। और यहाँ पर ही आपको डेड बॉडी मिली। जब आपको डेड बॉडी मिली तो किस हालत में थी? डेड बॉडी की हालत इतनी बुरी थी कि उसे देखा भी नहीं था जा रहा। एक तरफ से उसका चेहरे का सारा जो था, ये जो गोश्त था वो उतारा हुआ था उन्होंने। अच्छा, ये चेहरे का जो गोश्त उतारा हुआ था ये दाएं तरफ से था या बाएं तरफ से था? ये दाएं तरफ से था। दाएं तरफ का जो है वो चेहरे पे से गोश्त उतारा हुआ था, और जो आपने बताया कि यहाँ पर कट लगे हुए थे, ये दोनों दो जगह से गोश्त उतारा था। एक दाएं तरफ से चेहरे से इधर से सारा गोश्त उतारा हुआ था, और बाएं तरफ के बाजू से सारा गोश्त लिया हुआ। दाएं तरफ का चेहरा और बाएं तरफ का सारा ये बाजू से ये सारा गोश्त लिया हुआ था उन्होंने। और उसके अलावा कट, उसके अलावा कट जो थे ये दोनों हाथों में, इधर से इतनी इतनी जगह से गोश्त गायब था, ठीक है, जहाँ से जैसे कि वेन्स वेन आ रही, वेन्स काटी गई खून निकले वहाँ से दोनों तरफ से, और दोनों पाँव में से जो नीचे वेने होती हैं वो वेनों से इतना जो था गोश्त गैप था दोनों तरफ से, ठीक है। यहाँ पर मुझे कोई खून के निशानात नजर नहीं आ रहे, तो क्या जब आपको डेड बॉडी मिली थी तो साथ में कोई आपको कहीं पर खून के निशान नजर आ रहे थे? बिल्कुल कुछ भी नहीं, खून के इधर निशान नहीं, जिस्म में से जैसा कि पूरा जो खून है वो निकाला गया, बिल्कुल इधर डेड बॉडी के नीचे भी कोई खून नहीं, ऊपर भी, इधर हमने जब पुलिस भी हमारे साथ है उन्होंने भी खून वगैरह देखा तो कोई खून वगैरह के इधर एक कतरा भी नहीं मिला उन्हें। और इसके अलावा कोई और चीज़ यहाँ से जो मिली हो? हाँ, एक डब्बा होता है कि टीन होता है जो घर 16 किलो का घर टीन होता है ना घी वाला, वो एक पड़ा हुआ था, उसमें चंद एक सूखे हुए रोटी के टुकड़े पड़े हुए थे। अच्छा, रोटी के टुकड़े थे जी। ये रोटी के टुकड़े जो हैं ये कुछ बता सकते हैं आप, आपकी नज़र में किस लिए रखे गए होंगे? अब ये तो वो जो अमल करने वाला, जिस तरह ये फसल चारों तरफ से बाउंड्री लाइन से इन्होंने बिठाई हुई है, जब सेफ की हो, अगर उन्होंने इधर मारने था या कहीं भी कत्ल किया है, कत्ल करने के बाद ये हुआ है कि लाश तो वैसे फेंक के चले जाते हैं, ये आप देख रहे हैं टोटल बाउंड्री लाइन बनी हुई है, बिल्कुल ठीक है। इधर उन्होंने बैठ के कोई ना कोई अमल किया जिस वजह से हमारा ध्यान बार बार इसी तरफ जाता है। और दूसरा ये भी है कि इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रह जाती है। अभी हम कुछ देर में जाके गिरफ्तार मुलजमान से भी बात करेंगे कि इस केस में यकीनी तौर पे वजाहत को मारा इसीलिए गया है कि अमल किया गया है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। क्योंकि आप ये देख लीजिए कि एक तो ये कि खून जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से निकाला गया, गोश्त का चेहरे से उतारा जाना, मैंने बहुत सी इस तरह की स्टोरीज़ कवर की हैं, लेकिन कभी भी किसी भी स्टोरी में कोई भी ऐसी मुझे मिसाल नहीं मिली कि जहाँ पर किसी मकतूल का गोश्त उतारा गया हो या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे कट लगाए गए हों, वो सिर्फ इसलिए लगाए गए कि जी खून निकाला जाए, और खून निकाल के इस्तेमाल करना था उस अमल के लिए। नाज़रीन, जैसे कि अब तक प्रोग्राम में आपने तफसील जानी और आपको अंदाज़ा हुआ कि ये हिंदुओं में इस तरह से होता है कि 25 साल के बाद ये रात आती है और 14वीं की रात, और इसके लिए ख़ास तौर पर इंतज़ार किया जाता है, इसकी कई मिसालें हमें मिलती हैं। जैसे कि अभी वजाहत के वालिद और वालदा से गुफ्तगू हो रही थी तो उनका भी ये कहना था कि हमने तो इससे पहले ये फिल्मों में देखा था या सुना था, लेकिन हकीकत में ऐसा कभी होगा इसका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। इसी तरह की एक इंडियन फिल्म संघर्ष के, जिसमें बिल्कुल ऐसा ही सीन था कि जहां पर एक बच्चे को इस्तेमाल किया जाता है। आइए आपको इस फिल्म के कुछ मुंतखब हिस्से दिखाते हैं। नमस्ते, बहुत प्यारा बच्चा है, मैं इसको लेने आई हूँ। लेकिन दामला किधर? जी वो आ नहीं सके, उनकी तबीयत खराब हो गई। 1, 2, 3, ये 300। नहीं, बच्चा आपको नहीं दे सकता मैं, बच्चा तो उसी को मिलेगा जिसने बच्चे का बात किया था। लेकिन नहीं नहीं लालची, नहीं बच्चा तो नहीं दे सकता मैं आपको, नहीं चल बेटा, नहीं आपको नहीं दे सकता, नहीं नहीं मैं बच्चा आपको नहीं दे सकता, नहीं 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 आपको नहीं दे सकता, नहीं दे सकता मैं। आ
आज तेरी वजह से पहली बार मैं अपनी माँ का पेट नहीं भर सका। मैं उसके सामने थाली सजा रहा था, तूने उसमें लात मार दी। बच्चा देने का वादा करके बच्चा तूने मुझसे छीन लिया। छोड़ दे बच्चे को, उसे मार के तुझे जिंदगी नहीं बल्कि मौत की सजा मिलेगी। बेवकूफ लड़की, मैं तो आज इस जीवन मरण के चक्र भी उसे ही मुक्त होने वाला हूँ। ये बच्चा काली माँ को मेरी आखिरी भेंट है, इसके बाद मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। उस यमराज को भी मुझसे आज हारना होगा। नाज़रीन, हमने इस जगह से आपकी खिदमत में तफसील पेश की कि जहाँ से वजाहत की डेड बॉडी मिली, और जब ये डेड बॉडी मिली तो ये हर तरफ फसल है, कुछ दिखाई नहीं देता। अगर आप फासले से खड़े होकर देखें तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि यहाँ पर किसी बच्चे की या किसी और की भी डेड बॉडी पड़ी हुई। और अक्सर इस तरह की कार्रवाइयों के बाद मुलजमान की कोशिश यही होती है कि ऐसी जगह पर लाश को ठिकाने लगाया जाए कि जहाँ पर किसी का जहन भी ना जाता हो कि जी वहाँ जाके मालूम किया जाए कि कहीं डेड बॉडी या लाश वहाँ पर तो नहीं है। जब यहाँ से डेड बॉडी रिकवर की गई तो बहुत ज़्यादा स्मेल थी, लोग बहुत से इकट्ठे हो चुके थे, लेकिन कोई भी डेड बॉडी के करीब नहीं आ पा रहा था क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पर डेड बॉडी की स्मेल थी। 7 दिन यहाँ पर डेड बॉडी पड़ी रही, 7 रोज़ पहले कत्ल हुआ था और 7 दिन तक क्योंकि मालूम नहीं हो सका तो डेड बॉडी बिल्कुल वैसे ही उसी हालत में यहीं पर थी और अमल भी यहीं पर हुआ। जो अभी वजाहत के चचा ने शिकायत की हमसे कि पुलिस ने तावुन नहीं किया, और ना सिर्फ वजाहत के चचा ने बल्कि वजाहत के वालिद ने भी कहा कि पुलिस ने कोई हमारी खास मदद नहीं की। तो हम बढ़ते हैं मुतलका पुलिस स्टेशन की तरफ, उनसे मालूम करते हैं कि तफ्तीश कहां तक पहुंची और जो गिरफ्तार मुलजमान हैं उनसे हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर उन्होंने ये मकरूह अमल किया क्यों। मेरे पास छुरा था तो मैंने उसकी जब पेट पर मारा ना उसके, वो गिरा, वो खड़ा होने लगा तो मैंने उसके कमर पर छुरियां मारी हैं। आदमी अगर इसके तर्जमे को पढ़ ले तो इंसान का दिल कांप जाता है, और फिर ये फरमाना कि एक जान का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। नाज़रीन, अब मौजूद हैं मुतलका थाने में जहाँ पर गिरफ्तार मुलजिम एहसन भी है और इसकी उम्र सिर्फ 13 साल है, इसी हम बात करते हैं। एहसन, ये बताओ कि किसने कत्ल किया वजाहत को? मैंने। किसके कहने पर कत्ल किया? किसी के नहीं। पुलिस ने मारा? जी। कितना? बहुत ज़्यादा। किस चीज़ से मारा? ऊपर लटकाया सरिये से और मारा डंडे वगैरह। तुमने वजाहत को कैसे कत्ल किया? उसको अपने सामने खड़ा किया। वो आया एक साहब का, एक मेरे साथ आ रहा था, मेरे पास छुरा था तो मैंने उसकी जब पेट पर मारा ना उसके, वो गिरा, वो खड़ा होने लगा तो मैंने उसके कमर पर छुरियां मारी हैं तो इसलिए वो खड़ा नहीं हो सका। फिर मैंने और छुरियां मारी, इसलिए अच्छा। वो बेहोश हो गया और फिर मैं घर आ गया। उसको कत्ल कहाँ पे किया? हम जाफरौल मिल के साइड पर फसलें हैं गंदम की, उस वहाँ से तो उसकी बॉडी मिली है ना, लेकिन कत्ल तो घर पे किया था? नहीं, वहीं किया। तुम्हारे वालिद को पता था? नहीं, उनको बताया नहीं था? नहीं। उनको क्या पता चला? उनको दूसरे दिन पता चला। कैसे? जब इधर ले आए थे ना हमें थाने में,
तो जब हम अबू आए थे हमें थाने से लेकर घर गए, तो अबू ने कहा कोई तो बात हो गई कि सारा दिन आदमी खड़े रहे हैं गली में। तो मैंने कहा मेरे साथ एक लड़का है खावर, तब मैंने झूठ बोला। तो तुम झूठ तो अभी भी बोल रहे हो? नहीं, मैं अब सच बोल रहा हूँ। नहीं, तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। कैसे? तुम ऐसे झूठ बोल रहे हो कि तुमने सिर्फ उसको जो है पेट में जो है वो छुरा नहीं मारा है, सिर्फ कमर पे नहीं मारा है, बल्कि उसके यहाँ से भी वेन्स कटी हुई थी। मैं बताता हूँ आपको। सब बताओ ना फिर, अब किस्तों में बताना है तुमने? मैं पेट पर और कमर पर और गले पर और यहाँ बाजू पर और ये इधर घुटनों पर। चेहरे पर भी? जी, चेहरे पर भी, ये इधर। यहाँ पर क्यों? मतलब कोई दुश्मनी थी उससे? नहीं, दुश्मनी नहीं। तो फिर इस तरह जानवरों की तरह उसको क्यों मारा? वैसे पागल हो? नहीं, ये तो काम कोई पागल ही करेगा। जी हाँ, नहीं पागल नहीं। घर बंद करके भागे क्यों? कि शायद बच जाए। ये किसका मशवरा था कि घर बंद करके भागा जाए? ये अबू का। तो फसलों में तुम इसे कैसे लेकर गए? फसलों में मैं इस तरह लेकर गया कि इस तरफ मेरा घर है। उसको तुमने क्या कहा था कि मैं जिन बनूंगा? जी, और एक तुम गल्ला बनवाओ, उसमें पैसे आएंगे। उसने बनवाया गल्ला। तो ये तुम्हारे जहन में कहाँ से आया कि मैं उसे बोलूँ कि तुम जिन बनोगे? ये मेरा अबू ना हर रोज अखबार लाता है, नया अखबार। वहाँ डब्बा पीर बनते हैं ना, वो एक दूसरे किसी को भी लाते हैं आदमी को, और जख्मी कर देते हैं या फिर वो मर जाता है। ऐसे मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं ऐसे कहूँगा इसे जिन बनेगा। तुम अपने से एक साल बड़े लड़के को कत्ल कर सकते हो? ये तो जहन मानने को तैयार नहीं है। कोई भी नहीं मानता है, लेकिन सच सच ही है। ये तुम्हारे वालिद ने तुम्हें पट्टियाँ पढ़ाई हैं? नहीं। हाँ, तो मानता ही नहीं। तुम्हारी वालदा ने? नहीं। तुम्हारे बहनोई ने? किसी ने भी नहीं। क्योंकि उस दिन जो है वो 25 साल के बाद वो रात आई थी जो कि हिंदुओं में बहुत ज़्यादा होता है, और चौदहवीं की रात थी। नहीं, और उस वो दिन एक बात है सिर्फ। और उस दिन जो है वो खून अगर किसी ऐसे लड़के का किया जाए कि जो घर में सबसे बड़ा हो बहन भाइयों में, और नस्ल दर नस्ल उसकी वालदा, उसकी नानी, उसकी परनानी भी अगर उसी तरह से हो, तो वो बड़ा ज़रूरी और बड़ा मौजू साबित होता है। नहीं, ये सिर्फ बात है, एक अंजाम है। लेकिन सच ये है कि मैंने उसे छुरियाँ मारी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था ये मर जाए। मुझे ये बताओ कि ये भी कुछ लोगों का कहना है कि जी तुमने और तुम्हारी पुप्पो ने खून पिया था? नहीं, उसका खून ये मैंने कहा था, लेकिन मैंने इसलिए कहा था कि शायद मैं बच जाऊँ। तुमने इसीलिए तो पहले पुलिस से ये कहा, बल्कि लोगों को ये कहते रहे कि जी मैंने खून पिया है, मेरी पुप्पो ने खून पिया है। उस वक्त अगर तुम जो कुछ कह रहे थे बचने के लिए, अब भी तुम खुद बचने के लिए या किसी को बचाने के लिए सब कह रहे हो? जितना मुझे मारा मैंने सच बोल दिया। उन पर असर नहीं हुआ मार का? नहीं। मतलब एक 13 साल का बच्चा जो है वो गिरफ्तार है और उस पर इल्ज़ाम है कत्ल का, और वो इतना होशियार है, इतना समझदार है कि उसको ये भी पता है कि जिस तरह अदालत में अगर किसी मुलजिम को पेश किया जाता है तो जज के सामने मुलजिम कहता है जी मुझ पर ये इल्ज़ाम है, तो इसी तरीके से उसी अंदाज़ में एहसन भी यही कह रहे हैं कि जी मुझ पर इल्ज़ाम है, तो उसको पता है कि उसको क्या करना है और कैसे करना है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने हकायक जाने कि किस तरह से एक मासूम बच्चे को जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी उसको बलि चढ़ाया गया, उसको कत्ल कर दिया गया, और ये सब हो जाने के बाद मुलजमान तो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमारे माशरे में जहां पर हम ये समझते हैं कि माशरे में सुधार आ रहा है, वहां पर अब तक इस तरह की सूरत हाल, इस तरह की तफसीलात हमें देखने को मिलती हैं। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइए कि एक ऐसा बच्चा कि जिसका कोई कसूर नहीं था, घर में सबसे बड़ा था, और घर से रवाना हुआ, वालदा को यही बताया कि दोस्त की तरफ जा रहा है, लेकिन वालदा को मालूम नहीं था कि वो वापस जिंदा नहीं लौटेगा। इस बच्चे को कत्ल किया गया, इसको बलि चढ़ाया गया, और इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर ज़र्ब देकर इसका खून निकाला गया ताकि इसको मकरूह अमल के लिए इस्तेमाल किया जा सके। मजहबी नुक्ते नज़र से आप क्या कहते हैं?
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यकीनन मैं समझता हूँ कि जिस तरह आप बता रहे हैं उन बच्चों की उम्र को कि कातिल की उम्र 13-14 साल है और मकतूल बेचारे की उम्र भी 13-14 साल थी, इसका माना यह है कि इस नौजवान ने या इस बच्चे ने जो इकदाम उठाया है इसके पीछे वो एक तसलसल है उन तवहुमात का, उन आमिल उन बैठने वाले पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर में रहने वाले उन आमिलीन का, जिनका मैं ये अगर बात कहूँ कि उनका न किसी दीन से ताल्लुक़ है, न किसी धर्म से ताल्लुक़ है, न किसी अकीदे से ताल्लुक़ है, वो सिर्फ़ एक तवहम की बुनियाद के ऊपर कि अगर इस तरह का बकरा ज़बह कर लिया जाए, इस तरह के मुर्गा जो है अगर उसको इस तरह ज़बह कर लिया जाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, इसी तरह औलाद आदम में से किसी बच्चे को कत्ल कर दिया जाए और उसके बाद उसका खून निकाला जाए और खून निकालने के बाद भी जिस्म के फलां हिस्से से खून निकाला जाए और फलां खून निकालने के बाद उससे इस तरह के कुछ कलिमात वगैरह लिखे जाएं या उसको खून निकलने के बाद पिला दिया जाए या उस खून के ज़रिए से इस तरह के मामलात किए जाएं। ये तो कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो हमारी निगाह के सामने आ जाते हैं, आप लोग हिम्मत कर लेते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं और इस तरह के मामलात जो है वो लोगों के सामने आ जाते हैं। इसके पीछे इतना बड़ा एक तसलसल है, इसी तरह कब्रिस्तान के अंदर जाके वहाँ से मुर्दों को निकालना, फिर उनकी हड्डियाँ इस तरह, फिर इस तरह के मामलात के अंदर लोगों के बाल जो हैं उनके ऊपर कुछ अमल वगैरह करना, यानी ये मैं समझता हूँ कि ये अगर किसी भी दीन वाले और धर्म के आदमी से अगर ये पूछा जाए, उसके अंदर अकल हो, उसका अपने दीन के साथ ताल्लुक हो, अगर वो अपनी नस्बत किसी भी दीन और धर्म की तरफ करता है तो वो फौरन कहेगा कि मियाँ इसका मेरे दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि हर दीन के अंदर अखलाकियात एक बुनियादी सबूत है उनका। लेकिन बलि चढ़ाने का मामला तो इससे पहले भी हो चुका है, ये पहली मर्तबा हमें नहीं सुनने को मिल रहा है कि किसी को बलि चढ़ा दिया गया है। इस तरह के वाकयात हमने पहले भी सुने, गो के बहुत कम, लेकिन ये हमने पहले भी सुना है कि किसी शख्स को, खा वो किसी ही उम्र से ताल्लुक क्यों ना रखता हो, उसको बलि चढ़ाया गया। मैं ये समझता हूँ कि हिंदू धर्म हो या बुद्ध मत हो या किसी और दीन से ताल्लुक रखने वाले हों, चूँकि मुश्तरकात जो हैं हर दीन के अंदर वो हैं जिनके अंदर प्यार की बात है, जिसके अंदर रहमत की बात है, जिसके अंदर अकल की बात है, जिसके अंदर अखलाकियात की बात है। हाँ ये हो सकता है कि बर्रे सगीर के अंदर इस तरह के एक नाम दे दिया गया हो, जिस तरह मुख्तलिफ हमारे यहाँ रस्में होती हैं शादी की मुनासबत से, इसी तरह मौत की मुनासबत से, इसी तरह बच्चे के पैदा होने के मौके के ऊपर मुख्तलिफ रस्में होती हैं, इसी तरीके के ऊपर जनाब ये नाम जो दिया गया है इसका ताल्लुक बर्रे सगीर के एक रस्मी नाम से हो सकता है, बर्रे सगीर के किसी दीन से नहीं हो सकता, खा वो मुसलमान हो यानी इस्लाम हो, खा हिंदू मत हो, खा बुद्ध मत हो या कोई और दीन हो। ठीक है, इल्म की बात करते हुए मुफ्ती साहब, हम जानते हैं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी हमारे पास नूरी इल्म है, तो क्या नूरी इल्म में कभी आपने सुना नहीं कि उसमें भी किसी से कहा गया हो कि जी खून का इस्तेमाल होगा, खून का होना ज़रूरी है? देखिए जी, बात यह है कि नूरी इल्म का ताल्लुक है कुरान से और सुन्नत से, कुरान और सुन्नत के अंदर कहीं भी हमें ये बात नहीं मिलती कि जिसके अंदर किसी हलाल जानवर यानी जिस तरह मुर्गी है, जिस तरह जानवर के अंदर बकरी है, उसको ज़बह किया जाए और उसका खून निकाला जाए और उससे कुछ अमलियात के तौर के ऊपर बतौर तावीज़ के कुछ लिखा जाए, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, नूर से कोई ताल्लुक नहीं, दीन से कोई ताल्लुक नहीं। हुजूर ने जो इजाज़त अता फरमाई है वो ये अता फरमाई कि अगर कोई आदमी अपनी तरफ से बतौर सदका के देना चाहता है तो जानवर ज़बह किया जाएगा, ज़बह करने के बाद गुरबा में और मसाकिन में तकसीम कर दिया जाएगा। अगर कोई आदमी ये कहता है कि इसके खून से तावीज़ लिखा जाएगा, उसका दीन इस्लाम से और इस्लामी तालीमात से उसका कोई ताल्लुक नहीं। मुफ्ती साहब, आखिर में एक इंतहाई मुश्किल सवाल लेकिन अहम सवाल है कि क्या आप समझते हैं कि इस बच्चे को जिस तरह से कत्ल किया गया है और इसको बलि चढ़ाया गया है, क्या आप इसे कहेंगे कि ये बच्चा शहीद हुआ? इस बेचारे मासूम बच्चे को जो ज़बह किया गया, कत्ल किया गया और इतनी बेदर्दी के साथ, जिस तरह के आप फरमा रहे हैं कि उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को, आज़ा को काटा गया और मुसले की शक्ल बनाई गई, तो इस मुसले की शक्ल होने की वजह से और उस बेचारे को बग़ैर किसी रीज़न और वजह के कत्ल करने की वजह से और मजलूमन कत्ल करने की वजह से अल्लाह का कुरान का वाज़ फतवा है कि ये शहीद है। हुजूर का फरमान मुबारक भी यही है, कातिल जो हैं वो कातिल हैं, दरिंदे हैं, मलऊन हैं, अल्लाह का उन पर गज़ब है, और ये बेचारा जो मजलूमन बच्चा शहीद किया गया है, कत्ल किया गया, ये यकीनन कुरान और सुन्नत की रोशनी में शहीद है। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और इस अहम मौजू पर, इस सूरत हाल पर मजहबी नुक्ता नज़र आपने वाजे किया। इसके साथ ही नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और इस उम्मीद के साथ हम आज के प्रोग्राम को ख़त्म कर रहे हैं कि जो आज के प्रोग्राम में हमने इस अहम मसले को उजागर किया है और आपकी खिदमत में हकायक पेश किए हैं, इसके बाद हम सोते नहीं रह जाएंगे,
बल्कि अगर माशरे में कहीं पर भी कोई भी कोई इस तरह का मकरू अमल कर रहा है तो हम उसको रोकेंगे, उसकी इतला देंगे, और जो लोग इस तरह के लोगों की तरफ रुख करते हैं उनकी हौसला अफजाई करने के बजाय हौसला शिकनी करेंगे। मुझे अली मुमताज को प्रोग्राम हम लोग से दीजिए इजाजत। जाते जाते हमारा ईमेल एड्रेस hamlog@sama.tv, हमारा फेसबुक पेज भी है, जरूर विजिट कीजिए और हमें अपनी आरा से आगाह करते रहिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह नेकबान।